दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। यूपी के मथुरा में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। ईदगाह मस्जिद के आसपास पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। मस्जिद की तरफ जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही मथुरा पुलिस सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी रख रही है। दरअसल ये सारी तैयारियां इसलिए की गई हैं क्योंकि हिंदुवादी संगठनों ने 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक और मूर्ति स्थापना की बात कही थी। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी मथुरा ने बताया कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में शहर के गोविंद नगर और कोतवाली पुलिस थाने में 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। मथुरा पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के आसपास गाड़ियों की आवाजाही बाधित रहेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए ये आने वाले कुछ दिनों के लिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हमारे और डीएम साहब द्वारा उसकी समीक्षा भी की गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कुछ पदयात्राएं या कार्यक्रम करने का आह्वान किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे किसी भी कार्यक्रम या किसी भी यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है और आगे भी नहीं दी जाएगी। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, यदि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है, अराजकता फैलाता है, किसी प्रकार का भ्रम फैलाता है, धार्मिक भावनाएं उकसाता है या भीड़ इकट्ठी करने का प्रयास करता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, उसके ऊपर बहुत सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है और पूरे आम जनमानस को हमारी यही अपील है कि ऐसी किसी भी अफवाहों में, ऐसी किसी भी बातों में आप यकीन ना करें। प्रशासन आप सबकी सुरक्षा के लिए और नियम कानून का पालन कराने के लिए सक्षम है और पूरी तैयारी उसने की है। आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। आप ऐसे किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मथुरा पुलिस और प्रशासन का सहयोग। आज तक के मुताबिक मथुरा के सीओ यानी सर्कल ऑफिसर अभिषेक तिवारी का कहना है कि पूरे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही दंगे जैसी स्थिति से भी निपटने के लिए यूपी पुलिस का दंगा निरोधक दस्ता तैयार है। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 16 नवंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने धमकी दी थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक करेंगे और वहां मूर्ति की स्थापना करेंगे। इस दौरान 3 हिंदुवादी संगठनों श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना और श्री कृष्ण मुक्ति दल ने भी उनका समर्थन किया था। इस धमकी के बाद 6 दिसंबर नजदीक आते ही सभी हिंदू संगठनों के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी बिसात, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।